दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि एक्स पार्टी ऑर्डर और जजमेंट क्या है, इसको सेट असाइड करवाने के लिए किस ऑर्डर और सेक्शन में एप्लीकेशन लगती है, उसमें क्या प्ली ली जाती है और भी बहुत सारी बातें जो इससे जुड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्स पार्टी क्या होता है। देखिए, जैसे कोई क्रिमिनल केस होता है, उसके अंदर अगर अक्यूज कोर्ट में पेश ना हो, जज साहब ने जिसको समन करके बुलवाया हो, तो उसके खिलाफ वारंट इशू हो जाते हैं। लेकिन सिविल केस में ऐसा नहीं है। सिविल केस में अगर प्लेंटिफ ने कोई केस फाइल किया है, तो केस फाइल किया जाता है डिफेंडेंट या फिर रिस्पोंडेंट के खिलाफ। तो ऐसे में जो केस फाइल किया हुआ है, उसके अंदर कोर्ट उसको समन भेजती है, और वो कोर्ट में अपीयर ना हो, मतलब समन उसको रिसीव हो गया है, कोर्ट का नोटिस रिसीव हो गया, और रिसीव होने के बाद भी इंसान अगर कोर्ट में नहीं है, तो ऐसे में भाई क्रिमिनल में तो वारंट इशू हो जाते हैं, सिविल में उसको एक्स पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है। एक्स पार्टी मतलब कि आप अब इस कोर्ट में आपकी कोई जगह नहीं है, कोर्ट आपको नहीं सुनेगी। और प्लेंटिव की बातों को सुन करके जिसने केस फाइल किया है, कोर्ट अपना ऑर्डर जजमेंट पास कर देती है। अब देखिए, नॉर्मली ये नहीं है कि एकदम से कोर्ट ने एक्स पार्टी कर दिया तो एकदम से जजमेंट पास हो जाता है, ऐसा नहीं है, और ना ही एकदम से किसी को एक्स पार्टी किया जाता है। नॉर्मली एक्स पार्टी के लिए सबसे पहले कोर्ट ये देखती है कि हमने जो उसको नोटिस और समन भेजा था, वो उसको रिसीव हुआ या नहीं हुआ है। अगर वो रिसीव नहीं होता है, तो उसके लिए उसका कोई न्यू एड्रेस है वो लिया जाता है, वरना कोर्ट पब्लिकेशन के ऑर्डर करती है। पब्लिकेशन होती है कि न्यूज़पेपर में निकलवाया जाए उसके एरिया में, जिस एरिया में उसका एड्रेस दिया हुआ है। इसके अलावा पेस्टिंग के ऑर्डर भी हो जाते हैं। पेस्टिंग के ऑर्डर होते हैं कि भी जो कोर्ट का ऑर्डर है, वो उसके घर पर चिपका कर उसके फोटो खींच करके कोर्ट में लगा दिया जाए, इसको हम पेस्टिंग का ऑर्डर कहते हैं। अब इस प्रकार से जब ये प्रोसेस फॉलो हो जाता है, या फिर कोई व्यक्ति डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ केस है, वो कोर्ट में अपीयर हुआ है, एक बार अपीयर हो चुका है या उसका वकालतनामा आ चुका है, उसके बाद वो कोर्ट में नहीं आए, तो भी कोर्ट उसको एक्स पार्टी कर दे। भी उसकी नॉलेज में तो आ गया, कोर्ट में तो आ ही गया था, अब वो नहीं आ रहा है तो उसको एक्स पार्टी कर देते हैं। तो इस प्रकार से कोर्ट एक्स पार्टी करती है। कोर्ट एक्स पार्टी करती है ऑर्डर 9 रूल 6 में। तो ये CPC के सेक्शन है, सिविल प्रोसीजर कोर्ट के, तो उसमें एक्स पार्टी डिक्लेयर कर देती है, और साथ में जो प्लेंटिव जिसने केस फाइल किया है, उसको सुनकर के ऑर्डर पास करती है। अब ये नहीं है कि एकदम से उसको सुना और जजमेंट पास करती, नहीं, इसके बाद कोर्ट उससे कहती है आप एक्स पार्टी के लिए एक्स पार्टी एविडेंस बाय द वे ऑफ एफिडेविट फाइल कीजिए, मतलब आपको अपनी एविडेंस पेश करनी है। उन एविडेंस को कंसिडर करके फिर कोर्ट अपना जजमेंट देती है। सपोज कीजिए वाइफ ने कोई मेंटेनेंस का केस फाइल किया है, ऐसे में हस्बैंड नहीं आया, तो कोर्ट ये नहीं कि जो वाइफ ने उसको कहा मुझे 1,00,000 रुपये की मेंटेनेंस चाहिए पर मंथ, वो पास कर दीजिए, नहीं, कोर्ट देखिए भाई पत्नी ने जो प्रूफ दिए हैं वे सफिशिएंट है या नहीं है, या उसने कोई प्रूफ ही नहीं दिया, सिर्फ हवा में बोला है कि भाई उसकी इतनी होगी इतनी इनकम, तो कोर्ट प्रज्यूम करती कि क्या एक आदमी ये काम करता है तो उसकी इनकम कितनी होगी, उस हिसाब से ऑर्डर पास किया जाता है। सब कुछ फुल्ली नहीं मिलता है कि जो मांगा वही मिलेगा, कोर्ट इसमें भी कंसिडर करके ऑर्डर पास करती है, और चाहे तो कोर्ट डिसमिस भी कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, उस प्लेंट को डिसमिस भी किया जा सकता है। अब मुद्दा उठता है कि अगर कोई व्यक्ति एक्स पार्टी हो गया, भाई केस फाइल किया उसके खिलाफ और वो एक्स पार्टी डिक्लेयर हो गया, तो ऐसे में उसके पास क्या रेमेडी होती है। देखिए, इसमें दो प्रकार की रेमेडी होती है। एक, आपको एक्स पार्टी किया गया है और उसके बाद अभी भी केस चल रहा है, मतलब उसको जो प्लेंटिव ने केस फाइल किया उसको भी एविडेंस फाइल करनी है, अभी आर्गूमेंट होने जजमेंट पास होनी है, तो अभी केस फाइल मतलब अभी केस चल रहा है। दूसरा, कि केस में फुल्ली जजमेंट पास हो चुकी है, तो इन दोनों सिचुएशन में अलग अलग एप्लीकेशन लगती है। सपोज कीजिए अगर एक केस के अंदर दो डिफेंडेंट हैं, एक के खिलाफ अभी केस चल रहा है, दूसरा एक्स पार्टी हो गया, दूसरों को उसको पता चलता है तो वो कोर्ट में आता है, या फिर आप एक ही डिफेंडेंट हैं लेकिन आप एक्स पार्टी हुए हैं लेकिन अभी तक कोर्ट ने जजमेंट पास नहीं किया, तो ऐसे में आप ऑर्डर 9 रूल 7 रीड वी सेक्शन 151 CPC में एप्लीकेशन लगाते हैं। अगर कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिए कि भी उनको सुना जिसने केस फाइल किया था प्लेंटिव को, और सुन करके और साथ में आर्गूमेंट हो गए, जजमेंट ही पास हो चुकी है, ऐसे में आप ऑर्डर 9 रूल 13 रीड विद सेक्शन 151 CPC की एप्लीकेशन लगाकर उसको सेट असाइड करवाते हैं। तो इस प्रकार से ये एप्लीकेशन लग करके कोर्ट से आप उसको सेट असाइड करवा, मतलब कि जो जज साहब ने ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर में जो भी जज साहब ने जजमेंट पास किया है उसको भी रोक दिया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, और मुझे सुनने का मौका दिया जाए कि मैं भी अपनी एविडेंस कोर्ट के सामने पेश करूं। अब ऐसे में जज साहब के सामने जो आप प्ली रखते हैं, उसके अंदर आप कहते हैं कि भी जैसे कि नोटिस मुझे नहीं मिला,
या मेरी फैमिली को मिला, मुझे नहीं बताया, या फिर उस एड्रेस पर मैं रहता ही नहीं हूँ, या फिर इन्होंने किसी और से झूठा इसको रिसीव करवाया हुआ है, या फिर भाई मैं कहीं बाहर विदेश गया हुआ था या फिर दूसरे स्टेट में गया हुआ था, ये चीज़ मेरी नॉलेज में नहीं आई। या अगर आप कोर्ट में आ गए हैं, एक बार आप पेश हो चुके हैं, आपके वकील साहब पेश हो चुके हैं, और उसके बाद भी आपको अगर ऐसे एक्स पार्टी किया, तो आप प्ली लेते हैं कि नॉर्मल की भी मेरे वकील साहब हैं, उन्होंने मुझे नहीं बताया या मुझे मेरा उनसे कम्युनिकेट नहीं हो पाया, इस वजह से उन्होंने आना छोड़ दिया, या फिर मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, मैं कहीं बाहर चला गया था, भाई मेरी ये चीज़ नॉलेज में नहीं थी, बाद में जब मैं ठीक हुआ तब इसके बाद में आया, तब अब कोर्ट के सामने मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एक्स पार्टी ने किया। कोर्ट इसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट या फाइन लगाकर नॉर्मली आपको रिलीफ दे देती है। एक्स पार्टी कितने भी समय का हो, नॉर्मल 5-10 साल का, तो वो भी कहीं ना कहीं कोर्ट उसको एडजस्ट करके कुछ फाइन लगाकर सुनी लेती है, क्योंकि हर इंसान को अधिकार है अपनी एविडेंस, अपनी बात कोर्ट के सामने रखने का। और कोर्ट की भी ड्यूटी बनती है कि अगर कोई केस उसके सामने आए तो दोनों पक्षों को ही सुने। अगर एक पक्ष कोर्ट में पेश होकर भी नहीं आया है या स्टार्टिंग से ही पेश नहीं हुआ है, तो उसको मौका तो कम से कम एटलीस्ट जरूर दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में इस लॉ को फॉलो करते हुए कोर्ट अपोजिट पार्टी को, जो डिफेंडेंट है, रिस्पोंडेंट है, उसको मौका देती ही देती है। अब बात करते हैं कि अगर भाई उसको मौका मिल गया डिफेंडेंट को, और उस कोर्ट ने भाई उसका जो भी कुछ था, जैसे उसने अपनी प्ली लगाई और उसके ऊपर उसने उनको कंसीडर करके कुछ फाइन या कॉस्ट जो भी लगा करके और उसको एडजस्ट कर लिया कि ठीक है आप आ जाइए कोर्ट के अंदर और आप अपनी बात रखिए, अब केस चलेगा, तो केस दोबारा से उसी मोड में चलता है जैसे कि पहले चल रहा था। तो इसी प्रकार से आपका केस दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, आपको सुना जाता है, जो प्लेंटिव है जिसने केस फाइल किया उसको सुना जाता है, मतलब जैसी प्रोसीडिंग पहले चल रही थी सेम टू सेम वैसी प्रोसीडिंग केस के अंदर चलती है। तो दोस्तों ये था एक्स पार्टी का सारा विवरण, उसकी प्रोसीडिंग। तो दोस्तों आज आपने जाना कि एक्स पार्टी क्या होता है, जैसे कि अगर किसी ने केस फाइल किया है और उसमें अपोजिट पार्टी नहीं आती है सिविल सूट में, तो कोर्ट उसको एक्स पार्टी डिक्लेयर कर देती है कि वो पार्टी जानबूझकर नहीं आ रही है। ऐसे में वो व्यक्ति अपोजिट पार्टी है, कोर्ट में पेश हो जाता है, अगर उसमें जजमेंट पास नहीं हुई, अभी भी केस चल रहा है, तो ऐसे में वो ऑर्डर 9 और रूल 7 रीड विद सेक्शन 151 CPC में अप्लीकेशन लगाता है। अगर जजमेंट पास हो चुकी है तो ऑर्डर 9 रूल 13 रीड विद सेक्शन 151 CPC में अप्लीकेशन लगाकर उसको सेटिसफाइड करवाता है। इसके अलावा अपनी प्ली रखता है कोर्ट के अंदर कि वो बीमार था या वो परेशान था या मेंटली डिस्टर्ब था या फिर उसको जो कोर्ट ने नोटिस भेजा वो नहीं मिला या उसके वकील साहब ने नहीं बताया या फिर वो उस शहर में नहीं था या वो देश से बाहर था। अपनी प्ली रख करके अपनी बातों को कहता है और उसको सेटिसफाइड करवा करके केस को दोबारा से रीओपन करवा करके अपनी एविडेंस देकर केस चलता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।